हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीवीआर स्टडी में स्वागत है। आज पढ़ने चल रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में क्या होता है? नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद करते हैं। तो देखिए इसका नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड। सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में हैड का प्रयोग करते हैं, है ना। प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हैड। सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हैड। फिर नॉट का प्रयोग, नॉट के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी अवस्था होगी? थर्ड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट तीनों में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं प्लस सब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, राहुल विद्यालय विद्यालय नहीं गया था, है ना। गया था या जा चुका था, अर्थात कार्य भूतकाल में कार्य पूरा होता है। राहुल विद्यालय नहीं गया था या नहीं जा चुका था, ऐसा भी लिख सकते हैं, जा चुका था। दोनों ठीक, जा चुका था राहुल। ये क्या है? सब्जेक्ट है राहुल, हैड नॉट, जाना क्या है, मेन वर्ब है गॉन, गॉन टू स्कूल। राहुल हैड नॉट गॉन टू स्कूल। तुम और तुम्हारा भाई अपने कार्य पूरा नहीं कर लिए थे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम और तुम्हारा भाई। एंड से दो सिमिलर नाउन जुड़े होते हैं तो क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट होता है। यू एंड योर ब्रदर, योर ब्रदर। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे? हैड। सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करेंगे, हैड। फिर नॉट का प्रयोग। अब मेन वर्ब क्या है? पूरा करना, कंप्लीट, कंप्लीट। थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। अब क्या है? अपने कार्य, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहां पे डियर, डियर वर्क, अपने कार्य, है ना। यू एंड योर ब्रदर हैड नॉट कंप्लीटेड डियर वर्क। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या देख लेते हैं? फर्स्ट टाइप, जब वाक्य के बीच में
क्वेश्चन वर्ड आए। तो इसका नियम क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, हेड, फिर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या होगा, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, तुम अपनी कलम क्यों खरीद लिए थे, है ना, कह रहा है तुम अपनी कलम क्यों खरीद लिए थे। यहां पे क्या है, कार्य पूरा है ना, खरीद लिए थे या खरीद चुके थे। तो यहां पे वाई से पर स्टार्ट करेंगे, वाई हैड यू खरीदना बट क्या खरीदे थे, अपनी कलम योर पेन, वाई हैड यू बट योर पेन। एक और देखते हैं, मैं अपने मित्रों के साथ, मित्रों के साथ विद्यालय क्यों जा चुका था। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैं, आई, आई सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट आई, फिर क्या है, जाना, गॉन, गॉन के बाद टू स्कूल, गॉन टू स्कूल। अब क्या बच रहा है, अपने मित्रों के साथ, प्रीपोजिशन क्या है, के साथ, यहां क्या लगाएंगे, विद, विद किसके साथ, अपने मित्रों के साथ, माय फ्रेंड्स। है ना, क्या है, व्हाई हैड आई गॉन टू स्कूल विद माय फ्रेंड्स। सेकेंड टाइप देखते हैं, सेकेंड टाइप क्या है, जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो, तो वाक्य ट्रांस, वाक्य का ट्रांसलेशन किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, है ना, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, क्या, क्या वे मोहन को पुस्तक पढ़ा चुके थे, पढ़ा चुके थे, क्या वे मोहन को पुस्तक पढ़ा चुके थे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब
से स्टार्ट करेंगे, हैड दे, सब्जेक्ट क्या है दे, पढ़ाना मेन वर्ब है तो टाट, टाट मेन वर्ब। क्या पढ़ा चुके थे, मोहन को पुस्तक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोहन और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है बुक, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे मोहन, टाट मोहन, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ बुक, हैड दे टाट मोहन आ बुक, क्या वे मोहन को एक पुस्तक पढ़ा चुके थे। एक और इसी प्रकार से देख लेते हैं, क्या तुम अपनी माँ के साथ मेला देखने, मेला देखने जा चुके थे, जा चुके थे। तो कैसे शुरू है, यहाँ हैड लग जाएगा पहले ही, हैड यू, जाना मेन वर्ब है, गॉन, गॉन टू सी द फेयर, द फेयर मेला देखने, है ना, किसके साथ, अपनी माँ के साथ, विद योर मदर, विद योर मदर, हैड यू गॉन टू सी द फेयर विद योर मदर। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए। इसका नियम देखते हैं, पहले हम नियम क्या है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वही हैड, हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, है ना, जहां पे सब्जेक्ट होता, सब्जेक्ट और नॉट साथ में होते हैं, नॉट का प्रयोग जस्ट सब्जेक्ट के बाद होता है, प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखते हैं, मैं उसे, मैं उसे कुछ पुस्तकें क्यों नहीं पढ़ा चुका था, मैं उसे कुछ पुस्तकें क्यों नहीं पढ़ा चुका था। तो यहां पे व्हाई का प्रयोग करेंगे, व्हाई हैड, सब्जेक्ट क्या आई, फिर नॉट का प्रयोग, पढ़ाना टाट, टाट पढ़ाना, क्या पढ़ाने की बात हो रही, उसे कुछ पुस्तकें, तो हिम सम बुक्स, सम बुक्स, व्हाई हैड आई नॉट टाट हिम सम
बुक्स, वे बच्चे नदी में स्नान क्यों नहीं कर चुके थे, नहीं कर चुके थे, करा है? वे बच्चे नदी में स्नान क्यों नहीं कर चुके थे? I had those children, those children, फिर not का प्रयोग करेंगे, not, स्नान करना, main verb है bath, है ना, bath in the river, in the river. Why had those children not bathed in the river? अब देखते हैं जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होता है. जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य कैसे शुरू हो, तो सबसे पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं. हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैड सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट. एग्जांपल देखते हैं. क्या वे अध्यापक अध्यापक अपना कार्य पूरा नहीं, क्या वे अध्यापक अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके थे? तो यहाँ पे क्या से प्रारंभ है हमारा वाक्य, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड, हैड दोज, दोज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दोज टीचर्स, दोज टीचर्स, फिर नॉट का प्रयोग, पूरा करना कंप्लीट, कंप्लीटेड, क्या पूरा किए थे, अपना कार्य, तो यहाँ पे Their work, had those teachers not completed their work. एक एग्जाम्पल और देखते हैं. हम क्या हम अपना गृह कार्य घर पर पूरा नहीं कर चुके थे? तो क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड वी नॉट कंप्लीटेड क्या पूरा करना है, अपना गृह कार्य, आवर होमवर्क क्या है, घर पर, यहां पे क्या लिखेंगे, एट होम, घर पर, है ना, had we not completed our homework at
तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो यहीं पर ये क्लास समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास में आप लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।